वो सोच रही है कि आप ब्रेड हो तो आप पे मक्खन लगा रही है ना। वो कहता है कि सेटल नहीं होना लाइफ में। स्वर्धन पूछते हैं कि अथर्व भैया की गर्लफ्रेंड कौन है। भाई दोनों भाई। मैं तो आ नहीं पाया था आपकी शादी में। तो पानी पी रहा था, उसने मुंह से कांच के ग्लास तोड़ दिया। गाइस कैसे आप सभी लोग। तो यार मेरा नाम यथार्थ गैरोला है। अपने फर्स्ट एवर Q&A का उद्घाटन करने के लिए हु कैन बी अ बटर पर्सन हु कैन बी अ बेटर पर्सन देन योर ओन मदर। मम्मी कैसा लग रहा है, एक्साइटेड? हाँ अच्छा लग रहा है। अभी मम्मी थोड़ा सा शर्मा रही है, थोड़ी देर में फॉर्म में आ जाएगी जैसे जैसे हम क्वेश्चंस पूछेंगे। आज मम्मी ने ही मुझे सजेस्ट करा कि देखो हम मैचिंग पहनते हैं ब्लैक। एनीवेज लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो मम्मी पहला क्वेश्चन है साहित का, क्या यथार्थ के बाल को देख के कभी सोचा ये डाकू किधर से आया? नहीं नहीं डाकू तो नहीं लगता, शक्ल तो बिल्कुल प्यारी सी है, छोटा सा मुंह है। चैतन्य पूछते हैं कि विल यू सपोर्ट यथार्थ इफ ही डज थिएटर एंड एक्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ हिज डिग्री। अब मॉरली वो कुछ गलत नहीं करता है, बाकी उसकी इच्छा है वो कर लेगा, मेहनत करता है। थैंक्स फॉर द सपोर्ट। तो आयुषी चौधरी पूछती है व्हाट योर मदर एक्सपेक्ट फ्रॉम यू बीइंग यूट्यूबर, डज शी लाइक यूट्यूब और एडिक्टेड टू इट? मुझे भी आयुषी ऐसे ही लगता है बेटा, कभी लगता है एडिक्टेड हो गया, कभी लगता है ठीक है करता है, शौक है उसका नहीं। अब देखो आजकल लॉकडाउन है, यथार्थ बिजी है, उसको बोर होने का तो मुझे लगता है टाइम ही नहीं है। तो मम्मी क्या आपको बताए कि ये मेरे चैनल पे कौन सा वीडियो है? कोई गेस करो कि मतलब कौन से नंबर का होगा जैसे। नहीं बेटा मुझे नहीं पता। कोई गेस? कितना हजार बना दिया तुमने? नहीं नहीं हजार का मम्मी ने बहुत ओवर एस्टिमेट कर दिया। 199th वीडियो है ये मेरे चैनल। तो गाइज मैं चाहता हूँ कि मेरा जो 200th वीडियो हो वो कुछ स्पेशल हो, तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि यार मैं क्या बना सकता हूँ अपना 200th वीडियो। आकृति उनियाल से विल माय क्वेश्चन फॉर योर मदर एंड माय टीचर इज इफ शी रिमेंबर्स मी और नॉट। याद है आकृति बेटा मेरे को याद है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षत गुर्जर का, अगर भैया का बिट्स में नहीं होता तो आंटी क्या करती फिर उनके साथ? ऐसा कुछ नहीं था, बिट्स में ही होना या होना, मेहनत की थी उसने, मुझे मालूम था अच्छी जगह होगा। अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, देहरादून में रहता, मेरे पास रहता मेरे पास रहता, यहाँ में कोई कॉलेज में कहीं ना कहीं तो हो जाता है। धीरे धीरे आदमी एडजस्ट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ नहीं हुआ वहाँ नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीप पटेल का कि यथार्थ भाई के बाल कब काटने? यथार्थ से ही पूछो बेटा, मैं कब से लगी हूँ, मैं चलो पार्लर ले जाती हूँ, थोड़ा सा इसको ट्रिम करवा लेते हैं पार्लर में, मान नहीं रहा है, मम्मी ठीक है पहले मैं ऐसा हुआ करता हूँ, जैसे अभी ये वाली है, ये वाली फोटो है ये कब की है बताओ? मुंडन से पहले। हाँ जस्ट पहले आपको नवंबर में 2 साल हुए। अच्छा राइट। हाँ। ये फेब में आपका मुंडन हुआ था। अच्छा अच्छा। तो इसके बिल्कुल वैसे ऐसी बाल थे जैसे अभी है, ऐसी कर ली, बिल्कुल ऐसे कर ली थे और ऐसे ही लगता था मुझे, तो अभी भी ऐसे ही लगता है, अब इतना बड़ा हो गया लेकिन मुझे लगता है यथार्थ वही। बैक टू बेसिक्स यू नो, मेरी जनरली हेयर स्टाइलिस्ट जो है वो मम्मी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1000 ईयर्स ऑफ डेथ का, 1000 साल मृत्यु के, पता नहीं उसके चैनल का नाम होगा जो भी है। तो उसका क्वेश्चन है कि सबसे ज्यादा मार किस बात पे मारी है? क्वेश्चन भी वैसा ही है चैनल के नाम के हिसाब से। ये यथार्थ को हर्ट करेगा? नहीं नहीं बताओ बताओ। नहीं पिटाई तो मेरी तब होती थी, बहुत शैतानी करता था बचपन में, शैतान बहुत ज्यादा था और कहने के बाद भी। हाँ नहीं थोड़ा बड़े में कहने के बाद भी, जब कहना नहीं मानना है, जैसे एक बार छत में याद है, तो मैं छत में तुम खेल रहे थे, मैंने कहा मत खेलो, बाद में उसका ग्लास टूट गया था, शीशा टूट गया था, तो उस टाइम शायद पिटाई हुई थी। बेसिकली हम लोग खेल रहे थे, एक दोस्त बैटिंग कर रहा था दूसरा बॉलिंग और मैं आ रहा था, मतलब अपने नीचे से छत की तरफ जा रहा था। उतनी देर में जब मैं वहां पहुंचा तो देखा सब लोग बैठ रखे, मैंने बोला क्या हुआ भाई, मैंने बोला भाई शीशा टूट गया, मैंने बोला यार अब तो डांट पड़ेगी। मम्मी ने मुझे बोला कि आज तुझे मैं घर नहीं आने दूंगी, इसको बाहर ही रहने दो, घूमने दो, आप इसको घर के अंदर नहीं आने दूंगी। तो उसके बाद क्या हुआ, ये थोड़ी देर बाद उस विंडो से देखा बड़े बेटे ने, कह रहा मम्मी ये बाहर चिप्स खा रहा, वो बाहर आराम से अपना दरवाजे में लेट के चिप्स खाने पे लगा। मेरी स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हो, बिकॉज मैं जब बाहर पे चिप्स खा रहा था, बिल्कुल एंट्रेंस के बाहर बैठ के मैं चिप्स खा रहा था, तो अब भाई ने देखा, फिर भाई ने बोला कि उसको भी थोड़ा सा लगा होगा यार मुझे भी खाना है, तो फिर भाई ने मम्मी को बताया, हंसी आई उसमें गुस्से की वजह, मुझे हंसी आई, मैंने शैतान है, रोना धोना कुछ नहीं, मम्मी ने मेरे को निकाल दिया, अब क्या होगा, डरना तो बहुत दूर की बात है, आराम से अपने चिप्स खा रहा है, पैसे भी उसके पास रहे होंगे थोड़ा बहुत पॉकेट में जो भी रहे होंगे। तो यही है लाइफ में, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए ना किसी बात को लेकर, मतलब चिल रहना चाहिए, है ना मम्मी, चिल रहना चाहिए ना, ज्यादा टेंशन कुछ ज्यादा ही चिल रहता है। तो गाइस ये फोटोज क्यों आई है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आई है बेसिकली। तो अनु अग्रवाल पूछती है कि हाउ शी फेल इन लव विद योर फादर। सो गाइस अभी गर्लफ्रेंड से रिलेटेड क्वेश्चंस, मेरे बालों को लेके और क्वेश्चंस और भी कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पे हम बात करने वाले हैं, बट उससे पहले प्रिपेयरिंग फॉर IIT एंड मिसिंग IPL राइट नाउ,
डोंट वरी, अनअकैडमी आप लोगों के लिए लाया है IIT JEE T20 टेस्ट सीरीज। सो बेसिकली इसमें डेली टेस्ट होने वाले हैं शाम के 6:30 से 7 बजे तक। फिक्स्चर्स की डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। 7 क्वेश्चंस फिजिक्स मैथ्स से होंगे और 6 क्वेश्चंस केमिस्ट्री से होंगे। एंड देर आर रियली ग्रेट प्राइजेस फॉर द टॉप 100 रैंकर्स। एनरोल करना बहुत सिंपल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड यथार्थ केरला। ऑल्सो दिस न्यू बैच कॉल्ड इवॉल्व स्टार्टिंग फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो अभी मैं वापस जाता हूँ अपनी माता श्री के पास, आपसे वहीं मिलता हूँ। अनु बेटा, हमारी शादी तो अरेंज मैरिज हुई थी, तो शादी से पहले तो जैसे देखने आए थे नॉर्मल, ऐसा कुछ लगता नहीं है, लेकिन शादी के बाद अच्छा लगा। मुझे ये लगा कि लव मैरिज में भी इतने अच्छे पति नहीं मिलते। कुछ टाइम बाद वो वाली है शादी, और ये तो बिल्कुल बिल्कुल लाइव शादी की है, मतलब है ना, मैं तो आ नहीं पाया था आपकी शादी में। मैंने मिस कर दी थी मम्मी पापा की शादी। तो बस यही कहानी थी यार, पापा चेतक में आए थे मम्मी को देखने। बढ़िया ही रहा फिर सब, है ना, बढ़िया ही रहा। अभी तक बोला मम्मी वो चेतक क्यों दिया आपने, हमने अपने बिल्कुल कारपेंटर को दे दिया था वो। मतलब कारपेंटर ने उसके पार्ट्स वगैरह बेच दिए थे, बट अभी भी मैं बोलता हूँ कि मम्मी कहीं से हो पाए तो मतलब मिल जाता मेरे को एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस, तो मजा ही आ जाता। तो क्लास 10th में मुझे याद है मैं कुर्ता पजामा पहन के और चेतक में जब आता था, वहाँ पे लोग एकदम फैन हो जाते थे कि मतलब वो अलग सी एंट्री होती है। नॉर्मली तो लोग मम्मी पापा आते हैं लोगों के छोड़ने, वहाँ पे मैं आता था स्कूटर में, है ना, चेतक में। वो भी 1998 मेरे से पुराना है ना चेतक, तो 92 का है चेतक, बाप रे बाप। मतलब मम्मी पापा, हाँ ऑब्वियसली अब अगर पापा आपको चेतक में देखने आए थे तो वो शादी से पहले का ही होगा, है ना, ऑब्वियसली, सही बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपिका नारायण का, व्हाट्स द नॉटीएस्ट थिंग यथार्थ हैज एवर डन इन हिज चाइल्डहुड और इवन नाउ। शैतानी तो बहुत ज्यादा था, नॉटी तो बहुत ज्यादा था, वैसे तो बहुत सारी शैतानियां हैं, लेकिन दो चीजें मुझे याद है। एक दिन क्या हुआ, मैं रेस्ट कर रही थी दिन में, मैंने कुंडी लगाई, थोड़ी बार देखा यथार्थ गायब। तो इसने क्या किया था, टेबल किसका आया, उसके ऊपर चेयर रखी, चेयर के ऊपर जाके कुंडी खोल के भाग गया, इतना छोटा, मतलब उस अपने की डबल हाइट बना के, इतना ऊंचा था कुंडी। तो उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर दूसरी बात, हम किसी के घर गए थे एक बार, तो पानी पी रहा था, उसने मुंह से कांच के ग्लास तोड़ दिया, पानी पीते पीते उसको इसने जोर से टूट गया, थोड़ी देर में मैं घबरा गई, खाया नहीं, घबराई ना उसको, देखे पापा मैं गए, उसका मुंह साफ किया, कॉटन लाए, कॉटन से मुंह साफ किया, अंदर के कहीं अंदर ना गया होगा, कहीं गिरा, तो मतलब कांच के ग्लास मुंह से तोड़ना, अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, कैसे हुआ, कैसे किया इसने। और उसके बाद हंस रहा है। एक बार इसको इतनी आदत पड़ी थी, जो भी कांच की बोतल छोटी छोटी दवाई की जो होती है वो सिरप होते हैं ना, उसको तोड़ के फिर ताली बजाना, कांच के ग्लास ऐसे करके छोड़ना, फिर उसके बाद ताली बजाना, इतना मुश्किल हो गया था उस बीच। तो गाइस मैंने सोचा आप लोगों को एक छोटा सा डेमो दे दूं। तो बचपन में क्या करा करता था, जैसे ये ग्लास है, ये स्टील का ग्लास है, तो इसको ऐसे छोड़ता था, यही काम बस एक कांच के ग्लास के साथ करता था, और उसके बाद ऑब्वियसली कांच का ग्लास टूट जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 3 best qualities इन यथार्थ दैट यू अप्रिशिएट, यथार्थ इज डूइंग अ रियली ग्रेट जॉब, यू आर हिज बिगेस्ट सपोर्ट सिस्टम एवर। सबसे पहले यथार्थ को गुस्सा नहीं आता है, जो मैं इसको कितना डांटूं, पापा डांटें, भाई कोई भी गुस्सा करें, थोड़ी देर लगता है, अब थोड़ा बड़ा हो गया, आजकल थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा मुझे लगता है गुस्सा आ गया था, लेकिन अदरवाइज को कितना डांटो, कितना कुछ, इवन अगर मैं इसकी पिटाई भी कर लूँ, उसको नहीं, मम्मी नमस्ते, मम्मी आप क्या कर रहे हो, सबसे बड़ी बात यथार्थ की ये है। दूसरी बात है कि ये नेगेटिव कम लेता है चीज़ों, इवन मैं भी उसे सीखती हूँ दुनिया में, मतलब ऐसा नहीं कि इसने ऐसा क्यों बोल दिया, तो कुछ परिस्थिति ऐसी रही होगी, और उसमें पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करता। और तीसरा, ये घबराता कम है किसी चीज़ से, टेंशन नहीं लेनी चाहिए ज़्यादा चीज़ों को लेकर, है ना, चिल रहना चाहिए। थैंक्स मम्मी फॉर योर काइंड वर्ड्स। यथार्थ भैया अगर गर्ल होते, लड़की होते, तो व्हाट वुड हर नेम बी, आप क्या नाम रखते हो? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ऐसे सोचो कि कोई आपसे एडवाइस ले रहा है कि हमें अपनी, यू नो, हमारी कन्या हुई है और हमें उनका नाम रखना है, तो कोई अच्छा सा नाम आप सजेस्ट कीजिए उनको। पूर्वी, एक सखी नाम भी मुझे अच्छा लगता है, अभी एक सीरियल में आ रहा था ये सखी। छोटा भी है और अलग सा भी है, मतलब शायद उतना कॉमन नहीं है। तो फैंटम पूछते हैं, यथार्थ भैया ने बोला है कि वो प्लेसमेंट्स में नहीं बैठेंगे, सो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस? अब बैठना तो पड़ेगा, अब यूट्यूब से काम कहाँ चलेगा इतना। अब देखते हैं तब तक क्या होता है, बैठेगा, नौकरी भी करेगा और साथ साथ यूट्यूब भी करेगा। चलो आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं वहाँ उस समय तक उस लेवल पे पहुंच जाऊँ कि जरूरत ना पड़े, बट ठीक है, देखते हैं, ओनली टाइम विल टेल, है ना। कुछ बात बोली यूट्यूब में बोलते ताकि मम्मी पापा को मालूम हो जाए, तो दिल की बात निकल जाए। अभी ये वाली बात मैं पहली बार सुन रही हूँ, प्लेसमेंट में नहीं वो मैंने माय फर्स्ट वीक एट बिट्स पे लानी है, शायद उसमें बताया था। तो बैकी पूछते हैं कि हेलो, क्या कभी मम्मी ने आपको डांटा आपके लंबे बालों के लिए? नहीं नहीं, डांटा नहीं, लेकिन अगर ढंग से नहीं रखता है, ऐसी आ जाता है, खोल के आ जाता है, यूट्यूब में बोलते रहते, बाद में वीडियो देखते हुए बोलते हैं ऐसे। तीन लोगों के मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि सिमिलर है।
तो समर तोमर पूछते हैं कि आपकी माँ का रिएक्शन कैसा होगा अगर उन्हें पता चले कि आपकी गर्लफ्रेंड है। हर्षवर्धन पूछते हैं कि यथार्थ भैया की गर्लफ्रेंड कौन है, तो यथार्थ भैया की कितनी जीएफ थी? ये तो मुझे नहीं मालूम, यथार्थ से ही पूछना। तो मुझे लगता है कि ऐसा होता तो शायद मुझे बता देता हो, ऐसा कुछ होता है। यथार्थ बता दे। बिल्कुल। तो गाइज ये मैं बता देता हूँ कि अभी तक आई एम हैप्पीली सिंगल। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है कोमल का। कोमल शर्मा पूछते हैं भैया और मॉम इज सो प्रीटी एंड ब्यूटीफुल, तो शायद आप वो सोच रही है कि आप ब्रेड हो तो आप मक्खन लगा रही है ना। जस्ट जोकिंग, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू कोमल। वेयर डू यू सी यथार्थ 10 years फ्रॉम नाउ? कुछ नहीं, यथार्थ का टफ, बहुत टफ क्वेश्चन है। यथार्थ का कोई भरोसा नहीं है। वो कहता है कि सेटल नहीं होना लाइफ में। अगर मेरे वीडियोस देखे हैं तो आपने सुना होगा मैं बोलता हूँ एक्सप्लोर करते रहो, है ना, लाइक सेटलिंग फॉर लेस। सो आई डोंट बिलीव इन दैट। आई बिलीव मोर इन एक्सप्लोरिंग एंड यू नो चूजिंग द राइट थिंग्स फॉर यू। सो हाँ, तो यथार्थ का यही है, सेटल नहीं होना है। लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि नहीं, जो भी करे एक फोकस उस पर रहे। फोकस आई मीन टू से कि अगर यूट्यूब कर रहा तो उसमें आप उसी में वो ही काम करना है, तभी उसमें फ़ायदा है। और अगर आप अभी इंजीनियरिंग कर रहे हो, इंजीनियरिंग के बाद आपको उसको बेस्ट अपना बेस्ट दो ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। वो पूछते हैं यथार्थ के भयानक और धासु बालों के बारे में आपको क्या लगता है? यथार्थ तेरी बालों के बारे में मुझे नहीं पता। इतने ज्यादा फेमस हो जाएंगे भयानक डाकू वाले। नहीं बेटा, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है धासु। वो नहीं, मेरे को तो बहुत प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। चेंज अब कटवाऊंगी इसके बाल, चिंता मत करो, कुछ दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या यथार्थ भैया बचपन से इतने पतले हैं? बचपन से ही पतला है, बहुत छोटा सा था, थोड़ा सा ठीक था। छोटी फोटो थी बचपन की। तो गाइज ये है, मतलब आई थिंक मदर्स डे या पहले, मतलब कुछ साल पहले मैंने ये बनवाया था कोलाज टाइप का। तो इसमें यू नो मेरी बचपन की कुछ फोटोज हैं, देख सकते हो आप। जब मैं, मेरे हिसाब से मम्मी, जब मैं बहुत छोटा था जैसे इन फोटोज में, तब उतना पतला नहीं था। बट आई थिंक जब से मैं आई थिंक 4th-5th में आया हूँ, तो 5th-6th के बाद तो मैं इतना पतला हो ही गया था। 5th-6th पहले भाई ज्यादा पतला था, दोनों भाई, भाई भी पतला था भाई। हाँ तुम बचपन में भाई से ठीक थे। हाँ भाई से ठीक थे। तो गाइज ये ठीक वाला कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। गाइज एक्चुअली यहाँ क्या होता है, मतलब हम गढ़वाली हैं, गढ़वाल रीजन से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई पतला हो जाता है उसको बोलते हैं अरे बेटा कितना कमजोर हो गया, है ना। और जब कोई मोटा हो जाता है उसको बोलते हैं ठीक हो गया। तो ऐसी मेरी किसी से कॉन्वर्जेशन चल रही थी, मैंने बोला वो पतले हो गए क्या? उन्होंने बोला नहीं नहीं ठीक मतलब मोटे हो गए। मैंने बोला अच्छा ठीक मतलब ओ वैसे ठीक। तो वो मतलब है मैं बचपन में भाई से ज्यादा ठीक था जब बिल्कुल छोटा था। अब भाई ज्यादा ठीक है। एट वट एज भैया विल मैरी? ये तो वो तो भैया बताएंगे मुझे क्या मालूम। जब सही टाइम आएगा तो बता देंगे, है ना। अभी तो पता नहीं, भैया को खुद ही नहीं पता अभी तो, है ना। तो 1565th बार मुझसे पूछा जा रहा है बालों के बारे में, मेरे पूछा जा रहा है कि डोंट यू स्कोल्ड भैया फॉर हिज लॉन्ग हेयर? नहीं नहीं, मैंने इसको लॉन्ग हेयर कट करने के लिए नहीं बोला कभी। तो मोमिता घोष पूछती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम? रियलिटी, वास्तविकता इन हिंदी। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, आदि पांडे पूछते हैं फॉर हुम यू हैव मोर सॉफ्ट कॉर्नर, पार्थ भैया और यथार्थ भैया? अच्छा मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मम्मी ज्यादा अच्छी लगती है पापा ज्यादा अच्छे लगते हैं? सब बराबर होते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों बच्चे बराबर है। मैं बच्चों को स्कूल में भी समझाती हूँ। तो मम्मी बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, क्या आप वो 3 मैजिकल वर्ड्स बोलना चाहोगे हमारी ऑडियंस को? कोई सोच रहा होगा आई लव यू बोलने के लिए बोल रहा है। लाइक शेयर सब्सक्राइब। बिल्कुल गाइस, तो अब तो देखो मम्मी ने बोल दिया तो अब करना पड़ेगा। और कमेंट करके मुझे बताओ, हाँ वो 200th वीडियो मैं किस पे बताऊँ, है ना, कुछ आइडिया है तो जरूर मेरे को बताओ। दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो गाइस, मिलता हूँ आपसे अगली बार, तब तक के लिए गिव यू 100% इन व्हाट एवर यू डू, बी हैप्पी, मेक अदर्स हैप्पी एंड स्माइल। कहाँ देखो, आगे देखो, तेरे उसमें लेंस में ही देखो वहाँ, मतलब आप ऐसे सोचो कि वहाँ इसके पीछे 1000 लोग हैं, आप उन 1000 लोगों से बात करो बस इसमें। एंड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल।